नमस्ते सभी को। पहले हम विक्रम भैया को सुनेंगे। विक्रम भैया के परिवार में नंदिनी दीदी, विकाशा और भविष्य बेटा है। भैया मूल्य आधारित किसान बनाने के जो कार्य है उसमें अपनी भागीदारी को निभा रहे हैं। तो भैया आपका स्वागत है। ओवर टू यू, आप शेयरिंग को शुरू कर सकते जी भैया नमस्ते। जी हैं। भैया पहले बेटा और बेटी रखेंगे शेयरिंग। जी, जी मेरा सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। सभी को नमस्ते। मेरा नाम भविष्य है, मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ। मैं भगवान अंकल का दोस्त हूँ। मैं स्वयं को समझ रहा हूँ और मैं मानव मानव में संबंध भी देख रहा हूँ और समझदार भी बन रहा हूँ और मानव प्रकृति में संबंध भी देख रहा हूँ और कल्पनाशीलता को देख रहा हूँ। जी सभी को नमस्ते। मेरा नाम नंदिनी यादव है, 9th की स्टूडेंट हूँ और मेरा UHV से जुड़ाव श्री आदरणीय भगवान अंकल द्वारा हुआ। उन्हीं ने मुझे ऑनलाइन सेशन से जोड़ा और ऑफलाइन क्लास लेके मुझे समझाया UHV के बारे में कि ये क्या होती है, और इसी से मेरी इसके प्रति समझ बनी। और बीच बीच में अरुणा आंटी नौगांव से आकर हम लोगों के साथ परिवार सभाएं करती थी, जिससे मुझे और इसमें स्पष्टता हुई। तो उन दोनों के प्रति कृतज्ञता, उन्होंने हमें इसने अच्छे कंटेंट से जोड़ा। और मैंने मॉर्निंग सेशन को रेगुलर सुना है और इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट रहते थे उसको नोट भी किया है। और जो हमारे यहाँ UHV लिविंग सेंटर में हर रविवार को परिवार सभाएं होती हैं, उनमें भी मैं भागीदार होती हूँ, जिससे मैं अभ्यास 1 और अभ्यास 2 को और अच्छे से देख पा रही हूँ और इसको अपने जीवन में भी देख पा रही हूँ। ये मेरी चौथी शेयरिंग है जिसमें मैं अभ्यास 1 के मैं स्वयं के द्वारा स्वयं का मूल्यांकन कर पा रही हूँ। स्टेप 1 में मैं अपनी कल्पनाशीलता को देख पाई। शुरू में तो मेरा इस पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता था, लेकिन लगातार अभ्यास करने से इस पर ध्यान जाने लगा। मुझे जब भी समय मिलता था सुबह या शाम को, तो मैं प्रयास करती थी कि अपनी कल्पनाशीलता को देख पाऊं और अब इसको स्पष्ट रूप से देख पाती हूँ कि इसमें क्या चल रहा है। इच्छा विचार आशा को देख पा रही हूँ। और स्टेप 2 में इस क्षण मुझ में जो भाव विचार चल रहे हैं उनके साथ मैं आराम में हूँ या परेशान में हूँ, तो इसको भी मैं एक उदाहरण दूँ तो मेरी छोटी बहन है, उसने एक दिन मुझसे रूडली तरीके से बात की तो मेरे अंदर उसके प्रति विरोध असहज भाव चलने लगे। फिर मैंने सोचा कि रोज तो ये मुझसे अच्छी तरह बात करती है, तो एक तरह से सहज भाव आने लगे। तो इन छोटी छोटी घटनाओं से देखती हूँ कि कब सहज हो रही हूँ और कब असहज हो रही हूँ। तो ये मैंने देख पाई कि जब मेरे अंदर सहज भाव चलते हैं तो मैं आराम में रहती हूँ, और जब मेरे अंदर असहज भाव चलने लगते हैं तो मैं परेशान होती हूँ। तो इसको अब देख पा रही हूँ कि कब असहज हो रही हूँ, कब सहज हो रही हूँ। स्टेप 3 में मैंने देखा कि जब मेरे अंदर सहज भाव चलते हैं तो मैं सुखी हो जाती हूँ, आराम में हो जाती हूँ, और जब मेरे अंदर असहज भाव चलते हैं तो मैं दुखी हो जाती हूँ। तो इसको मैं देख पा रही हूँ और प्रयास कर रही हूँ और गहराई से देख पाऊँ। स्टेप 4 में मेरे सुखी दुखी होने का निर्णय कौन लेता है, बाहर की परिस्थिति या मैं स्वयं? तो पहले तो जब कभी मुझे फीवर चढ़ता था तो मुझे मैं उसको अर्थ दे देती थी और दुखी हो जाती थी। मैं स्वयं अर्थ देती थी, लेकिन मुझे लगता था कि मुझे फीवर है इसलिए मैं दुखी हो रही हूँ। अब जो पहले शिकायत रहती थी कि मैं इनकी वजह से सुखी या दुखी हो रही हूँ, ये अब स्पष्ट हुआ है कि मैं 100% खुद जिम्मेदार हूँ अपने सुखी और दुखी होने का। तो अब दूसरों से जो शिकायत रहती थी वो उससे मुक्त हुई हूँ, और यह स्पष्ट मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। और भी जहाँ चूकें होती हैं तो उन्हें और अच्छे से समझने का प्रयास कर रही हूँ। स्टेप 5 को देखूँ तो मेरे निर्णय लेने का आधार क्या है? तो पहले तो ज्यादातर मान्यताएं ही बहुत सी बनी हुई थी तो उन्हीं को अपना आधार बनाए हुए थे,
अगर कोई समय ना आई तो उसको मान्यता आधारित अर्थ देना लगा रहता था, लेकिन अब अधिक से अधिक प्रयास करती हूँ कि निर्णय लेने का आधार मेरे समझ हो, ना कि कोई मान्यताएं। तो ये धीरे धीरे मेरे अंदर स्पष्ट हो रहा है और इसको समझने का प्रयास कर रही हूँ। स्टेप 6 को देखूं, मुझे कौन सा भाव सह स्वीकार है, संबंध, व्यवस्था, सहस्तित्व या विरोध, अव्यवस्था और संघर्ष। तो यह देख पाती हूँ कि मुझे संबंध, व्यवस्था और सहस्तित्व ही सह स्वीकार है, और इन तीनों भावों को मैं और गहराई से समझने का अभी ज्यादा तो ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन इसको समझने का धीरे धीरे प्रयास जारी है। स्टेप 7 में मैं यह स्पष्ट हुआ कि मुझे संबंध, व्यवस्था, सहस्तित्व को समझना है। संबंध को मैं हर व्यक्ति में देखने का, कि एक इकाई का हर इकाई के साथ कैसे संबंध बना हुआ है, इसको देखने का प्रयास करती हूँ, और जो व्यवस्था पूरे अस्तित्व में बनी हुई है उसको हर छोटी से छोटी इकाई से बड़ी इकाई में देखने का प्रयास कर रही हूँ, और सहस्तित्व शून्य, इसको भी जो क्रिया शून्य है, सब जगह फैला हुआ है, इसको देखने का प्रयास जारी है। अभी ज्यादा तो ध्यान नहीं जा रहा शून्य के ऊपर, लेकिन थोड़ा थोड़ा आने लगा है। और अभ्यास 2 की बात करूँ तो इसमें मैंने स्वयं द्वारा शरीर का मूल्यांकन किया, और स्टेप 1 में मैं देख पाई कि चेतन और शरीर दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं। इसको मैंने इनकी जो क्रियाएं होती हैं, कि चेतन की अलग क्रियाएं हैं और शरीर की अलग क्रियाएं हैं, तो इसको मैं देख पाई ये दोनों अलग अलग हैं। तो जो पहले लगा रहता था कि अगर मैं मुझे कुछ हो जाएगा तो आगे क्या होगा, अब ये मृत्यु का भय खत्म हो गया है। अब इसको देख पाती हूँ कि मैं और चेतन दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं। स्टेप 2 में मैं और शरीर में सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, और ये दोनों अलग अलग हैं, ये स्पष्ट हुआ है। और स्टेप 3 में किस संवेदना को पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, इसका निर्णय मैं स्वयं लेती हूँ। ये समझ में आ रहा है कि जब मैं कोई महत्वपूर्ण कार्य करती हूँ तो बहुत सारी संवेदनाएं आती हैं, लेकिन मैं सिर्फ उसी संवेदना को पढ़ती हूँ जो मुझे महत्वपूर्ण लगती है। तो ये धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है। और स्टेप 4 में मैं संवेदना से दूर होते हुए भी संवेदना को पढ़ पाती हूँ, और मैं और शरीर के बीच दूरी है, इसको भी मैं थोड़ा थोड़ा देख पा रही हूँ कि मैं संवेदना में नहीं हूँ, संवेदना से नहीं हूँ, मैं संवेदना से अलग हूँ, और शरीर से भी मेरी एक दूरी बनी हुई है, इसको थोड़ा थोड़ा अपने में देख पा रही हूँ। स्टेप 5 की बात करूँ कि इसका मैं उदाहरण दूंगी कि मेरी कुछ दिनों पहले की बात है, मेरी एक फ्रेंड है, वो एक दिन गुस्से में थी, तो जब मैं उसके पास गई तो वो एकदम से लड़ने के मूड में आ गई। तो मैंने उससे उस वक्त तो कुछ नहीं बोला, मुझे पता चल गया था कि कुछ हुआ है इसके साथ, तो उस वक्त तो मैं वहां से आ गई, लेकिन फिर अगले दिन वो मेरे पास आई और उसने मुझसे सॉरी बोला, बताया कि कल उसकी मम्मी ने उसको डांटा था इसलिए वह गुस्से में थी और मुझसे झगड़ने लगी थी। इससे मुझे यह स्पष्ट हुआ कि मैं उस समय अगर उसका अर्थ मान्यता आधारित दे देती तो शायद हम दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता। इसलिए मैं प्रयास करती हूँ कि संवेदनाओं का अर्थ मान्यता आधारित ना देकर समझ आधारित दे पाऊं। तो सारी तो नहीं कह सकती अभी, लेकिन कुछ कुछ संवेदनाओं का अर्थ मैं समझ आधारित देने का प्रयास कर रही हूँ। और जो मेरे पहले घर में भाई बहन या स्कूल में फ्रेंड्स से झगड़े झगड़े हुआ करते थे, वो अब खत्म हुए हैं, पहले की अपेक्षा बहुत कम हुए हैं। तो यह स्टेप मुझे क्लियर हुआ। और स्टेप नंबर 6 में मैंने देखा कि जब मैं संवेदनाओं का अर्थ मान्यता आधारित देती हूँ तो मैं एक तरह से परतंत्र होती हूँ, और जब मैं इसका अर्थ समझ आधारित देती हूँ तो मैं स्वतंत्र होती हूँ, तो इसको देख पा रही हूँ। और स्टेप नंबर 7 में मैं शून्य में बनी हुई हूँ, शरीर शून्य में बना हुआ है, और ये दोनों निरंतर क्रियाशील है, और शून्य के माध्यम से ही मैं और शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है इसको, और
शरीर मेरे लिए सिर्फ एक साधन मात्र है, इसको अभी ज्यादा ध्यान नहीं जाता सुन पर, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझने का इस पर ध्यान जाने लगा है और इसको समझ रही हूँ। तो अभ्यास एक और अभ्यास दो में मेरी इतनी समझ बनी और इसको और विस्तार से समझने का प्रयास जारी है। और अगले पॉइंट को देखूं कि सुख स्वभाव है या प्रभाव, तो अभी तक तो लगता था कि इसे प्रभाव के रूप में ही देखती थी कि अधिक से अधिक सुविधा संग्रह कर लेने से मैं सुखी हो जाऊंगी, लेकिन फिर मुझे भगवान अंकल के प्रति कृतज्ञता कि उन्होंने मुझे यह समझाया कि सुख तो मेरा स्वभाव है ना कि प्रभाव, जिससे मैं अब इसे धीरे धीरे देख पा रही हूँ, सुख को अपने स्वभाव के रूप में देख पा रही हूँ। और प्रकृति की बात करूं तो प्रकृति के प्रति मेरा पहले की अपेक्षा अधिक जुड़ा हुआ है। हम लोगों ने यूएचवी लिविंग सेंटर में एक यूएचवी बेस बगीचा लगाया हुआ है जिसमें सभी तरह के पौधे लगे हुए हैं। हमारे कॉलोनी के बच्चे भी वहाँ आते हैं और पौधों के बारे में जानकारी लेते हैं, जिससे उनका पौधों के प्रति लगाव बढ़ रहा है। और जो पहले वो मोबाइल में गेम्स देखते रहते थे, अब मोबाइल्स में प्रकृति के बारे में जानकारी लेते हैं, तो उनका भी एक तरह से प्रकृति के प्रति जुड़ाव बन रहा है, इसको देख रही हूँ मैं। और स्वयं की समझ के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा समय लगाने का प्रयास करूंगी। और मेरी इतनी ही समझ बनी, सभी के प्रति कृतज्ञता, भगवान अंकल के प्रति कृतज्ञता कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे कंटेंट से जोड़ा जिससे मेरी इतनी समझ बनी, और आगे भी इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करती रहूंगी। और नान्ती के प्रति कृतज्ञता, सभी को धन्यवाद। जी भैया, सभी को नमस्ते। मेरा नाम विक्रम यादव है, मेरी उम्र 33 बरस है, मेरी शिक्षा 9वीं क्लास तक है। परिवार के सदस्यों की बात करें तो एक बेटा, 2 बेटी और पत्नी है। मैं नौगांव पे एक छोट से 6 किलोमीटर दूरी पर मेरा एक गांव है, जो मैं छोटा सा गांव है जो लगभग नौगांव से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरा यूएचबी से जुड़ना आदरणीय श्री भगवान सिंह परमार जी के माध्यम से और आदरणीय श्रीमती अरुणा परमार जी के माध्यम से हुआ। उनके प्रति मेरी बहुत बहुत कृतज्ञता, और अगर मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करूं तो वो भी कम है, क्योंकि जब भी मैं सुबह जगता था, उठता था, तो मुझे एक डर था कि मेरी 2 बेटियां हैं और मैं इतना कम पढ़ा लिखा हूँ, क्या होगा, कैसे होगा, मेरे जॉब का क्या होगा, मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा। तो इस यूएचबी से जोड़ने के बाद और उनके संपर्क में लगातार रहने से जो मुझे बल मिला है, जो मेरे अंदर एक डर भरा हुआ था, वो निकल के बाहर हो गया, जिससे मैं बहुत ही आश्वस्त हूँ और बहुत खुश हूँ कि एक यूएचबी मुझे अमृत के रूप में परमा जी के माध्यम से मिली। तो मैं अब वो उस डर से उभर पाया हूँ। जब उनके और मेरा अपना परिवार है, ये मैं सोचता था, लेकिन जब मैं यूएचबी से जुड़ा तो मुझे एक बड़ा परिवार मिल गया और बड़े परिवार की ओर लगातार बढ़ रहा हूँ, ये मुझे अब साफ साफ देखने लगा। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं यूएचबी को समझकर अब इतने आनंद में हूँ। मेरा काम मुख्य काम यूएच बेस खेती क्या हो, खेती परिवार व्यवसाय है। इस बात को लेकर मैं किसान के बीच में एक प्रोजेक्ट के माध्यम से जाता हूँ, जिसमें विचार के सहयोग के रूप में परमार साहब का सहयोग रहता है विचारों के माध्यम से, और मेरा सहयोग पुष्पेन भाई पंकज बागवान जी कर रहे हैं, जिसका अब असर किसानों के बीच में दिख रहा है। कुछ किसान परिवार सेंटर पर रविवार को परिवार सभा में भी आने लगे हैं और उनके घर में मैं एक बदलाव देख पा रहा हूँ। जब मैं उनके यहाँ जाता हूँ तो परिवार में एक अलग तरह का बदलाव मुझे देखने को मिल रहा है, और मेरे किसानों से डायरेक्ट संबंध भी जुड़ने लगे, जिससे मैं बहुत खुश हूँ और आनंद में हूँ, क्योंकि अपने परिवार के बाद एक बड़े परिवार में शामिल होने जा रहा हूँ। कई वर्षों के बाद भी जो चीजें किसान कर रहे थे या नहीं कर पा रहे थे,
क्योंकि समृद्धि तो आ रही थी, लेकिन उसको किस तरीके से लें इस बात को अब वो समझ कर खुश हैं, क्योंकि मेहनत तो लगातार कर रहे थे, लेकिन उस मेहनत को सार्थक रूप में कैसे ले जाएं, इस चीज को अब वो UHV के माध्यम से मैं लगातार उनके साथ एक विषय को लेकर जा रहा हूं और उन्हें समझा पा रहा हूं, और आगे मुझे लगता है कि मैं इस काम को बहुत ही तेजी से तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूं। मैं स्टेप की बात करूं तो अभ्यास एक में मैंने जैसे ही अपनी कल्पनाशीलता को देखा तो मुझ में परिवर्तन होने लगा, इसमें क्या चल रहा है। तो मैं देख जैसे ही स्टेप वन से मैं देखा कल्पनाशीलता को, तो मुझे एक नया शब्द मिला, कल्पनाशीलता। तो मुझे पता चला कि यही है जो मुझे बैठे बैठाए कई जगह घुमा देती है जहाँ मैं कई वर्षों पहले गया था। और स्टेप दो में मैं अपने भाव विचार को देखता हूँ, इनमें कभी सहज हो रहा हूँ, कभी असहज हो रहा हूँ। इसको मैंने देखा कि ये भाव ही हैं जो मेरे सोचने का तरीका बदलते रहते हैं, उन्हीं के कारण मैं इधर उधर होता रहता हूँ। स्टेप तीन में मेरे अंदर जो भाव विचार चल रहे हैं उनमें मैं कभी सुखी होता हूँ, कभी दुखी होता हूँ। तो मुझे स्टेप तीन में आते आते यह क्लियर हुआ कि जो मेरे भाव हैं जो मुझे निरंतर सुखी दुखी कर रहे थे, मेरी कोई समृद्धि का कारण नहीं था, ना मेरी कोई परेशानी का कारण था, परेशानी का कारण था तो ये भाव ही थे। स्टेप फोर में मैं देखता हूँ कि मेरे सहज असहज सुखी दुखी होने का निर्णय कौन ले रहा है। तो यहाँ से मेरी UHV के प्रति कमिटमेंट बनने लगता है कि अरे इसका निर्णय तो मैं ही ले रहा था, ना कि कोई बाहर परिस्थिति या मान्यताएं। स्टेप फाइव में मैं देखता हूँ कि इसका आधार क्या है, मेरा स्वभाव, सहज स्वीकृति या बाहर की परिस्थिति। तो मैं देखता हूँ कि इसका आधार तो मेरा बाहर की कोई परिस्थिति है, मेरी सहज स्वीकृति नहीं। अभी तक जो भी मैं इधर उधर घूम रहा था या परेशान हो रहा था, ये सिर्फ बाहर की परिस्थिति ही मुझे परेशान कर रही थी। तो मैंने अपने अंदर झांकना और गहराई से सोचना चालू किया, तो इसको मैंने समझा और इसके प्रति संकल्प स्वीकार किया, मेरी चाहत क्या है। तो मैंने देखा कि मेरी चाहत वो अन्य व्यक्ति की चाह है ना, तो लगभग एक सी है कि सुखी होना चाहते हैं, लेकिन कोई आधार नहीं था, कोई बेस नहीं था। अब वो मुझे मिल गया जिससे मैं बड़ा आनंद महसूस करने लगा हूँ। तो मेरी चाहत में मैंने देखा कि संबंध व्यवस्था सह अस्तित्व स्वीकार है या विरोध अव्यवस्था संघर्ष। तो मैंने देखा कि मुझे संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व ही सह स्वीकार है। स्टेप सेवन तक मैंने देखा कि मुझे स्पष्ट हुआ कि संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व ही मुझे पसंद है। अभ्यास दो में स्वयं को स्वयं से देखना, मैं चेतन हूँ, शरीर और मैं दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं। स्टेप टू में मैं और शरीर के बीच सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, ये मैं इसमें देख पाया। स्टेप तीन में शरीर को क्या संकेत देना है, किस संवेदना को पढ़ना है, इसका निर्णय मैं ही लेता हूँ। अभी जो मैं बाहर दोषी मानता था किसी को भी कि आपके कारण एक गलत निर्णय हो गया, और अधिकतर घर में या पत्नी से भी उसका यही कारण होता था कि नहीं ये तुमने कहा था सो हो गया, यानी अच्छा हो गया तो मैंने किया और बुरा हो गया तो पत्नी या परिवार या जो आसपास हैं उनके ऊपर दोषारोपण करता था। तो यहाँ तक स्टेप तीन तक मुझे यह समझ आ गया कि इसका निर्णय तुम मैं ही ले रहा था। मैं संवेदना से दूर होते हुए भी संवेदना को पढ़ पाता हूँ, मैं और शरीर के बीच में दूरी है। ये मुझे एक बड़ी बात समझ में आई कि मैं संवेदनाओं को किस तरीके से ले रहा हूँ और किस प्रकार से दूरी है। मैं स्टेप में फाइव में संवेदनाओं को अर्थ किस प्रकार देता हूँ, मान्यता आधारित या समझ आधारित। स्टेप सिक्स में मैंने देखा कि जब मैं संवेदनाओं का अर्थ मान्यता आधारित देता हूँ तो परतंत्र होता हूँ, और जब मैं इसका अर्थ समझ आधारित देता हूँ तो स्वतंत्र होता हूँ। यहाँ सिक्स में मुझे पूरा पूरा समझ में आ गया कि ये मेरी मान्यताएं थी जो मुझे परतंत्र किए हुए थी, जब मेरे पूरे अर्थ का ही कारण था। मैं कि अर्थ जैसे ही उसको सोचने की प्रक्रिया को इधर उधर ले जा रहा था तो मैं लगातार दुखी था। अब मैं स्वयं को
जो वही निर्णय ले पाता हूँ स्वयं के आधार पर लेता हूँ तो बड़ा आराम महसूस करता हूँ, और कोई भी किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं होता है। अब वो क्योंकि जो भी निर्णय होता है तो देख पा रहा हूँ कि सही हो तो ठीक हो, और अगर गलत हो जाता है तो उतना दुख नहीं होता है। अब वो दुख देख पा रहा हूँ कि नहीं था पूरा दुखी के सामने वाले ने मुझे गलत निर्णय ले दिया। सेवन में मैं देखूं तो मेरा होना शून्य के सहारे अस्तित्व में बना हुआ है, निरंतर मैं क्रियाशील हूँ। ये मुझे सेवन से पता चला कि शून्य में मैं बना हुआ हूँ और निरंतर क्रियाशील हूँ। शरीर का होना भी शून्य के सहारे अस्तित्व में बना हुआ है, शरीर मेरे लिए उपयोगी साधन है। यहाँ तक मुझे पता चला कि वास्तव में शरीर, अभी मैं जो मानता था कि शरीर और मैं एक ही हूँ और मुझे पूरा ख्याल शरीर को ही करना है, लेकिन मैं दोनों की, मैं और शरीर की आवश्यकताओं को वेरीफाई नहीं कर पा रहे थे, नहीं देख पा रहे थे। तो अब मैं देख पाता हूँ कि शरीर की आवश्यकता कुछ और है और मेरी आवश्यकता कुछ और है। शरीर तो एक उपयोगी साधन है, जैसा हम उसे चलाते हैं वैसा चल पाता है। तो आज लगभग 3 साल, 3 साल से ऊपर मुझे सेंटर पर रहते हुए हो गया है, जिससे मेरी चिकित्सा बिल्कुल कम हुई है। सिर्फ भविष्य के हाथ फ्रैक्चर होने पर ही मुझे 1400-1500 रुपये लगा है, और 3 साल में मैं लगभग 2000 के स्वास्थ्य विभाग तक पहुंच पाया हूं, और बजट बिल्कुल कम हो रहा है। तो मैं इस परिवार की आदरणीय भगवान सिंह परमार, आदरणीय अरुणा परमार जी की भी कृतज्ञता ज्ञापित करूँ तो वो बहुत ही कम है, क्योंकि स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा से लेकर, वो सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चों में डायरेक्ट गया है, बच्चे जिस तरीके से तेजी से बदल रहे हैं उससे मैं बहुत खुश हूँ कि ये ज्ञान मुझे पहले और जितने पहले मिल जाता तो मैं भी बहुत जल्दी ठीक हो पाता, और बच्चे जिस तरीके से तेजी से पकड़ रहे हैं, बदल रहे हैं, उससे मैं बहुत ही खुश हूँ। और यूएचबी पहले मुझे लगता था कि एक बोझ है, क्योंकि लगातार परमार साहब समझा रहे थे कि समृद्धि से कुछ नहीं होगा तुम्हारे, और तो मुझे एक अलग लगता था कि ये कह रहे हैं कि समृद्धि ही सब कुछ नहीं है, तो मैं अलग नई बात समझ रहा था कि समृद्धि ही सब कुछ है। और जब मैं स्टेपों को धीरे धीरे पढ़ा सीखा तो मैं आज बहुत खुश हूँ। जो एक डर पड़ा था अंदर, उससे मैं उभर पाया हूँ, अब वो डर नहीं है। अब मन में और स्वयं में इतना विश्वास आ गया है कि कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। आज यूएचबी का कमाल ही है जो मैं दिल्ली तक इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अपनी पहचान बना पाया। मेरे जो साथी हैं MSW BSc किए हुए हैं, उनका डॉक्यूमेंट्स जितना बेहतर नहीं हो पाता है जितना मेरा हो पाता है। जो दिल्ली में बैठे मुरैना के मेरे अधिकारी हैं, तो वो अभी 4 दिन पहले मीटिंग होने के बाद कह रहे थे कि विक्रम में एक बड़ा बदलाव मैं देख रहा हूँ, हर मीटिंग में मैं एक चेंज देख रहा हूँ। तो वे महसूस कर रहे हैं कि ये चेंज कहाँ से आ रहा है, तो वे बोल रहे थे कि विक्रम इतनी तेजी से बदलाव जो कर पा रहा है वो कहाँ से हो रहा है। तो मैं सबके, पूरे UHB टीम के प्रति मेरी बहुत बहुत कृतज्ञता है कि जो सुबह से मुझे एक नई धारा से जोड़ते हैं और नई बातों को सिखाते हैं। तो मैं सबके प्रति बहुत ही कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। सभी को मेरा नमस्ते। शर्मिला दीदी को आमंत्रित करता हूँ कि दीदी विक्रम भैया के शेयरिंग के बारे में हमें गाएं। तो बहुत ही अच्छा लगा सबकी शेयरिंग सुन के, और जैसा कि भगवान जी कह रहे थे और रशपाल जी ने भी कहा, और सब शेयरिंग से भी काफी क्लियर हुआ कि जब पूरा परिवार इसमें जुट जाता है, जब पूरा परिवार लग जाता है, तो कैसे ये ना ये पूरा जो नॉलेज है, ये पूरा जो प्रोसेस है, विचार से आगे एक्सपीरियंस में निकल कर आता है, और कैसे हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक, मतलब सबके लिए ये एक माध्यम है जिससे कि हम अपने जीवन को संवार सकें, हम अपने अपने सुख को खुद सुनिश्चित कर पाएं, और साथ ही औरों के लिए भी सहायक हो इस प्रोसेस में। तो मतलब बच्ची जो
छोटी बच्ची है, 9th में है, लेकिन कितने अच्छे से उसने एक एक पॉइंट एक्सरसाइज का देख के और अपने में इसको देख के और अपने उदाहरणों से कैसे उसने सामने रखा, और माता पिता सब, मतलब जब सब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कैसे पूरा परिवार का पूरा माहौल बदल जाता है। तो वो बहुत अच्छे से ये बात निकल कर आई औरों के लिए भी एक इंस्पिरेशन है, जैसे प्रशांत जी पूछ रहे थे। तो हम लोग सबकी लाइफ में कोई होंगे ऐसे आसपास हमारे जो इस नॉलेज से, इस सब से बहुत लाभान्वित हो सकते हैं, अगर हम इसका ध्यान रखें और हम उस पे थोड़ा ध्यान दे के उनको इन्वॉल्व करें, तो कितने लोगों की सहायता हो सकती है और कितने और लोग मतलब अपने अपनी लाइफ में इस बात को देख पाएंगे और एक सुखी जीवन व्यतीत कर पाएंगे, समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया लगा, शेयरिंग बहुत ही बढ़िया। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, और भगवान जी भी बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जी